सुबह तो टाइम ही नहीं होता ना, सुबह यहाँ भीड़ होती है बहुत है। सुबह नहीं होती किस टाइम तक? तो हम दशहरे से जस्ट एक दिन पहले यहाँ पर पहुँच चुके हैं और हमने देखा कि बहुत अच्छे से यहाँ सब कुछ डेकोरेट कर दिया गया है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं और उनको पता है कि नेक्स्ट डे बहुत रश हो जाता है, तो इसलिए लोग आकर दर्शन करके जो है वापस भी जा रहे हैं और हम भी उनमें से एक ही हैं। तो अब मानवी को हम कल सुबह भी यहाँ पर घुमा कर दिखाएंगे कि यहाँ का फेयर कैसा होता है, मेला कैसा होता है। तो मानविक रेडी हो चुका है क्योंकि उसको आज दशहरे का मेला देखने जाना है। बड़ा क्रेज़ है, कहते हैं कि मुझे सुबह से जो है वहाँ जाना है और उसने आज स्पेशल अपनी शेड्स भी लगा ली हैं। तो कहते हैं कि मैं बिना जो है शेड्स के नहीं जाऊँगा धूप में। और मानविक सबको हाय कर दो। हैप्पी हाँ ये तो बता ही देना, बोलो हैप्पी दशहरा टू Everyone. चलो मेले में पहुंच के दिखाते हैं आपको क्या कुछ आज देखने को मिलेगा। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं 13-17 पानीपत में, 13-17 सेक्टर में जहां पर ये सारा प्रोग्राम होना है। तो यहां पर कल रात को हम आए थे और आपने देखा ही था, कुछ तैयारियां तो लोग कर ही रहे थे, अपनी शॉप्स को डेकोरेट कर रहे थे और वो सब चीजें हैं जो यहाँ पर मानविक की आपको आवाज सुनाई दे रही होगी। तो मानविक कह रहा है कि उसे ट्रक लेना है। तो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे जो 3 स्टैच्यू हैं जैसे कि यहाँ पर बने हुए हैं, ये आपको नजर आ ही रहे होंगे दूर से। अब तो मानविक ने भी देख लिया उन्हें, शाम के टाइम बहुत क्राउडेड हो जाएगा तो बच्चे के साथ आना बड़ा मुश्किल है यहाँ पर। तो पहली बार हम बहुत क्लोज आए हैं यहाँ पर, अदरवाइज इतना पास हम आ नहीं पाते कभी भी, क्योंकि शाम के टाइम आते हैं तो रश बहुत होता है। मानविक अब मेले में से टॉय की डिमांड कर रहा है कि उसे ट्रक लेना है और वो देख रहे ट्रक कि कौन सा ट्रक उसे लेना है और वो शेड्स लगा के देख रहा है। तो देखते हैं मानवी कौन सा टॉय पसंद करेगा। नहीं नहीं बाबू, कार नहीं है।